अलैकुम दोस्तों उम्मीद आप खैरियत से होंगे आपको बताते चलें कि सेनेट के इलेक्शन 3 मार्च 2021 को होंगे किस जमात के कितने सेनेटर्स रिटायर होंगे और किस जमात के कितने सेनेटर्स दोबारा मुंतखब होंगे इस हवाले से तफसत हम आपसे शेयर करेंगे कुछ देर में इससे पहले आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वह तमाम न्यूज़ और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें जो आप देखना सुनना और जानना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं सैनट इंत से

बन सकती है 11 मार्च 2021 को सिंध और पंजाब से 11-11, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 12-12 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं सबसे ज्यादा सेनेटर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन के रिटायर होंगे जिनकी तादाद 17 है जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सात आज़ाद अरकान चार एम एम के, के चार बलोचिस्तान अवामी पार्टी के तीन जमयतलमा इस्लाम नेशनल पार्टी और पखतूनख्वा मिली पार्टी के दो दो बी एन पी मैंगल जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी का एक एक सैनिटर रिटायर होगा इस तरह सैनट में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू सबसे बड़ी जमात है जिसके सैनिटर्स की तादाद तीस है जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक्कीस सैनिटर्स इस वक्त सीनेट में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इनसाफ़ चौदह बलूचि अवामी पार्टी के नौ आज़ाद अरकान सात एम क्यू एम के पांच जमयत इस्लाम नेशनल पार्टी और पख्तनख्वा मिली पार्टी के चार चार अरकान इस वक्त सैनट में मौजूद हैं जमात इस्लामी के दो और अवमी नेशनल पार्टी बी एन पी मैंगल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का एक एक सैनेटर इस वक्त नुमाइंदगी कर रहा है सैनट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिटायर होने वाले सत्रह सेनेटर्स में पंजाब से ग्यारह जबकि इस्लामाबाद बलोचिस्तान और खैबर पखतूनख्वा से दो दो सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिटायर होने वाले सेनेटर्स में मौजूदा कायद हिजब अख्तिलाफ़ राजा जफरलक मुशाह खान परवेज़ रशीद याकूब ख़ान नासर राहिला मगजी आगा शाहजेब दुर्रानी आयशा रज़ा फ़ारूक तनवीर चौधरी असद अशरफ गौस न्याजी सलाउद्दीन तरमजी जनरल अब्दुल क्योम जावेद अब्बासी नजमा हमीद प्रोफेसर साजद मीर और इसके साथ साथ जो रिटायर होने वाले सेनेटर्स हैं इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सलीम ज़ियाबी शामिल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सात सेनेटर्स रिटायर्ड होंगे सब इन सब का ताल्लक़ सिंध से है रिटायर्ड होने वालों में फ़ारूक एच रहमान मलिक गान चंद इस्लामुद्दीन शेख सलीम मांडवी वाला और सस्ती जो और शेर रहमान भी शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सात सैनीटर्स रिटायर हो रहे हैं तमाम का ताल्लक खैबर पखतनख्वा से है पी टी आई के रिटायर होने वाले सैनिटर्स में मौजूदा वजी अतलात सीनेटर शिबली फराज़ लियाकत तरक्ई मोहसन अजीज़ नोमान वज़ी समीना सईद और कैंथ विलियम्स भी शामिल हैं इसके अलावा जीशान खान ज्यादा अभी रिटायर होने वाले सेनेटर्स में शामिल हैं मुतद कौमी मोमेंट यानी एम क्यू एम के सिंध से चार सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं जिनमें मियाँ अतीक शेख खुशबक शुजात मोहम्मद अली सैफ और निगत मिर्ज़ा भी शामिल हैं उलमा इस्लाम पाकिस्तान के दो सेनेटर्स खैबर पखतनख्वा से मौलाना अताउर रहमान और बलोचिस्तान से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी रिटायर होने वालों में शामिल हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद बजनजो सरफराज बुगटी और मंजूर काकड़ भी रिटायर्ड होंगे जबकि पख्तनख्वा मिली पार्टी के उस्मान खान काकड़ और गुलबशरा भी रिटायर्ड हो जाएंगी बी एन पी मैंगल के जहाजेब जमालदीनी नेशनल पार्टी के मीर कबीर मोहम्मद शाही और शोकत और अशोक कुमार भी रिटायर्ड होने वालों में शामिल हैं जबकि जमात इस्लामी जब के की अमीर सेंटर सराजुल हक भी इस दफ़ा रिटायर्ड होने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं एन पी की सितारा अयाज और इसके साथ साथ फाटा से औरंगज़जेब औरंगजई मोमन खान आफरीदी सजाद तूरी और ताज आफरीदी भी रिटायर्ड होने वालों में शामिल हैं जबकि सनेट इंतबात दो हज़ार इक्कीस के मुमकिन नतज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सनेट के इंतबात में सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल करेगी और इनकी नशस्तों की तादाद अट्ठाईस से हो जाएगी इस तरह वो सेनेट में अक्सरती जमात बन सकती है इसी तरह जब पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्नीस सेनेटर्स के साथ दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग अठारह शस्तों के साथ तीसरी जमात बनने के इम्कान हैं जबकि बलोचिस्तान अवमी पार्टी बारह शिस्तों के साथ चौथी बड़ी जमात बन सकती है सेनेट में इंतबा के बाद तो जनाब अगर आपको हमारी ये मालूम अच्छी लगी हूँ दोस्तों से शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी जमात कितनी चीज़ें हासिल कर सकती है आपकी राय का इंतजार रहेगा शुक्रिया